नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक के आईटीआई मैदान में आज अमर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की पावन स्मृति में 75वें दीवान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने रिबन काटकर विधिवत शोभा यात्रा एवं भंडारे का उद्घाटन किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाबा बंदा बहादुर के जीवन, उनकी वीरता और बलिदान का वर्णन करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने बाबा बंदा बहादुर की स्मृति में करवाए जा रहे आयोजन की सराहना की और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आगमन पर अमर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर के वंशज बाबा जतिंदर पाल सिंह सोडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिरोपा भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा, पूर्व राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा, चक्रवर्ती शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। एक बहादुर जी की चादर पे आज 75वें वार्षिक महोत्सव पे जो बाबा जी सोडी साहब, बाबा बंदा बहादुर जी आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत इनको हार्दिक बधाई। बाबा बंदा बहादुर ने एक इतिहास कायम किया और एक ऐसा चरित्र पेश किया जो देश के हित में और समाज के हित में उन्होंने अपने प्राणों तक की बाजी लगाई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।